नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र ढालवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजी NIEPVD देहरादून से COVID-19 के संबंध में कुछ भ्रम और कुछ तथ्यों को लेकर उपस्थित हूं। एक भ्रम है कि जिन भी व्यक्तियों को खांसी, बुखार या सांस लेने की तकलीफ हो रही है, उनको सभी को कोरोना वायरस का संक्रमण हो गया। ऐसा मानना निरर्थक है, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि वे जिनको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो, उन सभी को कोरोना वायरस का संक्रमण हो। ये किसी अन्य फ्लू के लक्षण हो सकते हैं। अतः घबराएं नहीं, यदि ऐसे कोई लक्षण आपको दिखाई भी देते हैं तो आप अपने चिकित्सक से सलाह लें और जांच करवाएं और उचित जांच करवा करके दवा लें। एक मिथक है कि च्यवनप्राश, जड़ी बूटी, गिलोय, तुलसी, अदरक या कुछ और अन्य जड़ी बूटियों का सेवन करने वालों को कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं हो सकता। यह भी निरर्थक है। यदि कोई व्यक्ति जो इन चीजों का सेवन कर भी रहा है और वो कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ जाता है तो उसको ये संक्रमण होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इसीलिए भ्रम में न रहें, सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल आइसोलेशन का पालन करें। एक भ्रम है कि जो लोग नियमित रूप से व्यायाम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं या देखने में हृष्ट पुष्ट हैं, उनको कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं हो सकता। यह भी एक भ्रम है। ध्यान दें कि कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से संक्रमण की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो नियमित व्यायाम करते रहें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, लेकिन इस भ्रम में ना रहें कि भाई यदि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ जाएंगे तो आपको ये कोरोना वायरस नहीं हो सकता। इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और जो इस समय पे लॉकडाउन का जो पीरियड चल रहा है, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। एक मिथक है कि नमकीन और गुनगुने पानी से नियमित रूप से गरारे करने से कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं हो सकता। और जिनको कोरोना वायरस का संक्रमण है, वो यदि नमक के पानी से गरारे करेंगे तो उनका इलाज हो सकता है। यह भी गलत है। ऐसे प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिससे ये पता चलता हो कि भी नमकीन पानी से गरारे करने से कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सकता हो या फिर इससे इलाज किया जा सकता हो। तो भ्रम में न रहे। यदि किसी को कोई संक्रमण हो रहा है तो वो जो कोई ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो वो अपने डॉक्टर से ऐसे नमकीन व गुनगुने पानी से गरारे करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, वो हमें करने चाहिए। एक मिथक है कि गर्मी आने पे कोरोना वायरस का संक्रमण खत्म हो जाएगा। फिलहाल इसके कोई प्रमाणिक तथ्य उपलब्ध नहीं है, तो इसीलिए बचाव है उसके ऊपर उपाय करने चाहिए कि भाई हमें घर में रहना है, लॉकडाउन में रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग और सोशल आइसोलेशन जो है वो हमें बना करके रखना है। एक तथ्य है कि अंडा और जो मांसाहार है वो अब नहीं खाना चाहिए, इससे जो है कोरोना वायरस बढ़ रहा है। देखिए, भोजन कोई भी हो, चाहे वो शाकाहारी हो चाहे वो मांसाहारी हो, कोई भी भोजन को यदि आप साफ सुथरे तरीके से और पूरी तरह से पका करके यदि खाएंगे तो किसी भी प्रकार के संक्रमण से बच सकते हैं। कुछ लोग मान रहे हैं कि थर्मल स्कैनर जो है उससे कोरोना वायरस या COVID-19 का डायग्नोसिस हो सकता है। ऐसा नहीं है। जो थर्मल स्कैनर यूज किए जा रहे हैं वो कोरोना वायरस को डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। थर्मल स्कैनर जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनसे COVID-19 डायग्नोस नहीं कर रहे हैं, उससे केवल हम बॉडी का टेम्परेचर जो है माप रहे हैं। बॉडी का टेम्परेचर, क्योंकि बुखार जो है वो एक लक्षण है COVID-19 का, तो इसीलिए यदि किसी को थर्मल स्कैनिंग के बाद बुखार के लक्षण पाए जाते हैं तो उसे सलाह दी जाती है कि वो कोई अन्य टेस्ट करें और जांच करें, ताकि जांच करके पता लगा सकें कि भाई ये सामान्य बुखार है या फिर COVID-19 का संक्रमण है। एक मिथक यह भी है कि शराब के सेवन से COVID-19 के संक्रमण से बचा जा सकता है या इस COVID-19 का इलाज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है। शराब के सेवन से COVID-19 के संक्रमण से नहीं बचा जा सकता। यदि कोई शराब का सेवन कर रहा है और वो यदि किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ जाता है तो संभावना बढ़ जाती है कि भी ये जो COVID-19 का संक्रमण है वो शराब पीने वाले को भी संक्रमित कर देगा। एक मिथक है कि जो नया कोरोना वायरस है COVID-19 जो है वो केवल वृद्ध लोगों के लिए ही घातक है। ध्यान रखिए कि बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये पता चल रहा है कि COVID-19 का जो संक्रमण है वो बूढ़े, बच्चे, जवान सभी को प्रभावित कर रहा है। ये बात अलग है। ये तथ्य है कि जो वृद्ध अवस्था में है उनके लिए ये ज्यादा घातक है। भ्रम है कि एंटीबायोटिक से COVID-19 का इलाज किया जा सकता है। याद रखिए कि एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया पे असर करती हैं, वायरस पे असर नहीं करती हैं, और COVID-19 एक वायरल डिजीज है, इसीलिए
जब भी अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट ना किया जाए। एक मिथक है कि COVID-19 की वजह से ये निर्देश दिए जा रहे हैं या फिर लोग डर चुके हैं कि भाई अब उनको बार बार हाथ धोना है, और बार बार हाथ धोने की वजह से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या OCD के जो लक्षण बढ़ रहे हैं। ये तथ्य है कि जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन या डिस्ट्रेस बढ़ता है तो जो OCD से ग्रसित व्यक्ति है उनके कुछ OCD के लक्षण बढ़ने लगते हैं। इस समय पे इसको स्वीकार किया जाए कि यह विश्वव्यापी एक संकट है, और इस समय पे इस संक्रमण से दूर रहने के लिए बार बार हाथ धोने की आवश्यकता है। बार बार हाथ धोना इस समय पे एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, एक नेसेसरी, एक इंपॉर्टेंट बिहेवियर है, तो इसे OCD ना माना जाए। एक मिथक है कि कोरोना वायरस या COVID-19 के संक्रमण से बचने के लिए हमें अपने घरों में रहना चाहिए, खिड़की दरवाजे भी नहीं खोलने चाहिए, छतों पे नहीं जाना चाहिए, बालकनी में नहीं जाना चाहिए। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि COVID-19 का जो संक्रमण है वो संपर्क में आने से फैल रहा है। यदि हम किसी भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसे स्थान जैसे आपकी बालकनी या छत, यदि वहां पे अन्य कोई व्यक्ति आता जाता ना हो तो आप निश्चित रूप से अपने घर के दरवाजे खिड़की जरूर खोलें, बालकनी में जाएं, छत पे जाएं, घूमें, फ्रेश एयर लें, हवा लें और घर में फ्रेश एयर आने दें। इससे आप स्वस्थ महसूस करेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि मलेरिया में दी जाने वाली दवाओं जैसे एमिनो क्विनोलिन से नए कोरोना वायरस या COVID-19 का इलाज संभव है। अभी इस पर शोध जारी है। अभी तक कोई भी दवा निश्चित रूप से यह नहीं कही जा सकती है कि वह पूरी तरह से COVID-19 के इलाज में उपयोगी है। तो अभी मेडिकेशन आप ना करें, अपने डॉक्टर से सलाह लें और डॉक्टर की सलाह पर ही दवाई या अपना इलाज करवाएं। एक मिथक है कि यदि कोरोना वायरस हो जाता है किसी को, COVID-19 का संक्रमण हो जाता है तो उसकी मृत्यु तय है और इस वजह से बहुत पैनिक फैल रहा है। आप याद रखिए कि हर उस व्यक्ति को जिसको COVID-19 का संक्रमण हो गया है, हर व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी। इसमें 80% ऐसे व्यक्ति हैं पर अस्पताल जाने की भी आवश्यकता नहीं है और घर में रह करके और अपनी डॉक्टर की सलाह से वो अपना इलाज कर सकते हैं। 20% जो 100 लोग हैं, जो 100 संक्रमित व्यक्ति हैं, उनमें से 20% ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको कि अस्पताल में जाने की आवश्यकता पड़ेगी। उनमें से 5% ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको कि ICU की आवश्यकता हो सकती है, और इस संक्रमण के अंदर 3% ऐसा चांसेस है कि डेथ संभव है। तो इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि लॉकडाउन का पालन करें, भौतिक दूरी बनाए रखें, संक्रमण के संपर्क में आने से बचें, बार बार हाथ धोएं, हाथों से अनावश्यक रूप से अपने मुंह, नाक, आंखें, इनको बार बार छूने की आदत से बचें, फोन करें, वीडियो कॉल करें, चैटिंग करें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, और इस सोशल डिस्टेंसिंग के समय में, इस लॉकडाउन के समय में सामाजिक दूरी न आने दें, सामाजिक ताने बाने से जुड़े रहें। समय समाचार ना देखें, अपने आप को ओवरबर्डन न करें। समाचार देखने के लिए कोई एक निश्चित और निर्धारित समय तय करें, केवल उसी समय पे समाचार से अपडेट करें। सकारात्मक बातें साझा करें, उनको शेयर करें, अफवाहें ना तो फैलाएं और ना ही अफवाहों पे ध्यान दें। सरकारी व प्रमाणिक सूचनाओं पर ध्यान दें, सारी वेबसाइट देखें, उसी पर विश्वास करें। लॉकडाउन के समय में अपने घर के सदस्यों के साथ खेलें, मनोरंजन करें और स्वस्थ रहें। अच्छा भोजन करें, अच्छी नींद लें, नशे की आदत से दूर रहें, नशा ना करें, नियमित रूप से व्यायाम करें, योग करें। देश व प्रांत की सरकारों, अपने डॉक्टरों, अपने पुलिस कर्मियों, सफाई कर्मियों पे विश्वास करें, स्वयं पे विश्वास करें, ईश्वर पे विश्वास करें, दूसरों का मनोबल बढ़ाएं। इसी के साथ ही मैं आप सभी के स्वस्थ रहने की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।